सो हे माई YouTube फैमिली, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देख लिया है, ऐसा वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, जो कि इस तरीके से ओपन होने वाली है आपके सामने। उसके बाद ऊपर 3 डॉट पर टैप करना, इमेज साइज पर क्लिक करना और यहाँ से आपको 720 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद टिक कर देना, न्यू टेक्स्ट है इसको ऊपर से डिलीट कर देना। उसके बाद प्लस आइकन पे जाना है, फ्रॉम गैलरी पे जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जिसके ऊपर में आप वीडियो बनाना चाहते हो। उसके बाद 9:16 की फ्रेम सेलेक्ट करके टिक कर देना है। इसके साइज़ को यहाँ से आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हो। इस फोटोज़ को आप रेमिनी ऐप में HD कर लेना, ठीक है। सबसे पहले उसके बाद में क्या करना है, आपको नीचे टूल बार पर क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट कर लेना इसको अपने अकॉर्डिंग। तो जैसा आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो उस तरीके से आपको इसको इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। सेचुरेशन एंड ह्यू वगैरह सारा कुछ आप लोग फोटो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। उसके बाद टिक कर देना। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ से इसको लॉक कर देना ताकि हम इस पर काम करेंगे तो हिलेगा नहीं। फ्रॉम गैलरी में जाना और यहाँ से आपको एक शेडो PNG मिल जाएगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, तो वो वाला शेडो PNG आपको यहाँ से ले लेना है। एंड इस तरीके से इसको जैसे मैं वीडियो में बड़ा कर रहा हूँ इस तरीके से इसको सेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सेंटर में सेट करना है इसको बिल्कुल। उसके बाद में यहाँ से इसको भी आपको लॉक कर देना है ताकि ये यहाँ से हिलेगा नहीं अपन इसके ऊपर में काम करेंगे तो। उसके बाद में क्या कर लेना होगा, नीचे ए वाला टेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है। उसके बाद में आप लोग गूगल से या कहीं से भी कॉपी कर लेना शायरी, जैसा आपके फ़ोटो के अकॉर्डिंग है वैसे शायरी मिल जाते हैं, तो गूगल से कॉपी कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ से गूगल को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने बाद यहाँ से आपको यूनिकोड श्रीदेव फॉन्ट इसके ऊपर में टैप कर देना। उसके बाद में जो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रहा है इसके अंदर चले जाना, आपको इसको ओपन कर लेना। क्योंकि यूनिकोड निकालेंगे आप इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर ऐप का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको पेस्ट योर टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पे शायरी आपकी जो है कॉपी की थी वो पेस्ट करनी है और इस बटन पे टैप करना है। उसके बाद ऊपर इसका कन्वर्ट करके दे देगा, तो बाद में इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक। यहाँ से आपको सिंपली से इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद फिर से अपने वीडियो में आ जाना है यहाँ से पिक्सल लैब में। उसके बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर लेना है सिंपली से, इस तरीके से आपको पेस्ट करना है जो यूनिकोड लाओगे। उसके बाद लिरिक्स जो रहेगी शायरी की वो 2 लेयर में रहेगी, तो आपको ऊपर वाली रहने देनी है, नीचे वाली कॉपी करके यहाँ से इसको कट कर देना है, ठीक है। तो ये आप लोग वीडियो में देख लेना, अभी नॉर्मल है। उसके बाद में क्या करना, आपको फॉन्ट मिलेगा तो उसके लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना, AB फॉन्ट ऑप्शन पर जाना। माई फॉन्ट के अंदर आपको ये वाला अमित आहान नाम का फॉन्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड करना मैंने काफ़ी वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग इस तरीके से ऐड करके यहाँ से सेलेक्ट करना, फॉन्ट मैं दे दूंगा। उसके बाद एक लाइन रखनी है ऊपर वाली और नीचे वाली को कॉपी करके यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। तो वो आप लोग अपने शायरी लिरिक्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इतना मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको एडजस्टमेंट करना है शेडोज़ के ऊपर में अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया है। कलर के ऑप्शन पे जाना, इसका कलर यहाँ से येलो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो कलर आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। डुप्लीकेट कॉपी करनी है इसके नीचे रख लेना है, और जो नेक्स्ट लिरिक्स रहेगी सेकंड वाली तो वो यहाँ से पेस्ट करनी है आपको, ठीक है। ओके कर लेना। ओके कर लेने बाद यहाँ पे देख लेना वही लिरिक्स आ रही है, तो फिर से कट वगैरह करके इसको एडजस्टमेंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से कट करके यहाँ पे सेट कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से सेट करना है आपको। और यहाँ से ये डॉट दिख रहा है इससे इसकी साइज़ कम कर लेना और सेंटर में बिल्कुल एडजस्ट कर लेना। और यहाँ से फिर से कलर वाले ऑप्शन पे जाना और यहाँ से आप इसका वाइट कलर सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से डन कर लेना। एंड यहाँ से दोनों को लॉक कर देना, फिर से प्लस ऑप्शन पे जाना, फ्रॉम गैलरी में जाओगे तो यहाँ से आपको 2 PNG इमेज मिलेगी इस तरीके की स्टाइलिश, तो इनको ऊपर में सेट करना है यहाँ पे। तो जिस तरीके से वीडियो में आप लोग देख पा रहे हो उस तरीके से इसको यहाँ पे सेट करना है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से उसके बाद इसके डुप्लीकेट क्रिएट करनी और फिर से इसके आगे जस्ट आपको यहाँ पे सेट कर लेनी, ओके। इन दोनों को भी लॉक कर देना और एक और दूंगा आपको सेम इसी टाइप की अलग कलर में, तो उसको भी आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से साइज जैसे कम कर रहा हूँ वीडियो में उस तरीके से कम करके आपको बिल्कुल नीचे सेट करनी है यहाँ पे अच्छी तरीके से। एंड इसकी भी डुप्लीकेट कॉपी करके आपको इसके जस्ट सामने यहाँ पे लगा देनी, ओके। उसके बाद लॉक कर देना
अब क्या कर लेना है, यहाँ से टेक्स्ट में जाना, न्यू टेक्स्ट लेना, उसके बाद आपने जो शायरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दो तीन इमोजी आपको टाइप कर लेनी है, ठीक है। तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर सकते हो, मैंने इस तरीके से टाइप कर लिया। इसको यहाँ पर सेंटर में सेट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना, शेडोज़ के ऑप्शन पर जाना, शेडो इनेबल कर लेनी, और इसकी जो ओपेसिटी है वो अप्रोक्स 50 या 60 के अप्रोक्स कर लेना, इस तरीके से हो जाएगी। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट पे टैप कर देना एंड यहाँ से इस इमेज को सेव करना है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट इमेज पे जाना है, कस्टम पे जाना है, डिफ़ॉल्ट पे जाके अल्ट्रा एंड सेव टू गैलरी। तो इस तरीके से यहाँ से इमेज अपनी सेव हो जाएगी। पिक्सल लैब का काम ख़त्म हो चुका है, अब आपको बैक आना है। अब आपको प्ले स्टोर पर जाना और वहाँ से एक स्काई VPN नाम का VPN मिलेगा, तो उसको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि कैपकट ऐप का यूज करेंगे तो बिना VPN के कैपकट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको VPN को कनेक्ट कर लेना होगा कैपकट चलाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस यार, VPN अपना कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद बैक आना है। अब कैपकट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसका लेटेस्ट वर्जन अभी मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि कहां से आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो ओपन होते ही ऐसा इंटरफेस खुलने वाला। अब आपको क्या करना है, आपके सामने न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर आपको टैप कर देना, उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन मिलने वाला, ऊपर फोटोज़ पे क्लिक करना और जो फोटो एक्सपोर्ट करके लेके आए उसको ऐड वन पे क्लिक करके ऐड कर लेना। उसके बाद में क्या करना है, इसके अंदर कैपकट का लोगो आएगा तो उसको डिलीट करने के लिए बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ से एंडिंग पार्ट पे टैप करना एंड यहाँ से इसको डिलीट कर देना, ओके। उसके बाद जो इमेज रहेगा उस पर टैप करना और यहाँ से थोड़ी सी साइज़ इसकी बढ़ा लेनी। साइज़ बढ़ा लेने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेना ताकि फ़ोटो अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे नीचे एक वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देने के बाद ऊपर डिस्ट्रक्शन वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद फर्स्ट में एक इफेक्ट शो होगा जिसका नाम है रिपल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना, एडजस्ट पे क्लिक करना है यहाँ से। उसके बाद इसको एडजस्ट करना, शार्पन को 52 के अप्रोक्स इंक्रीज करना है, ब्लर है इसको यहाँ पे आपको 34 के अप्रोक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो साइज़ रहेगी वो आपको 59 के अप्रोक्स इसको सेट करनी है। उसके बाद में क्या करना है, जो यहाँ से स्पीड रहेगा ना इसको तो 50 कर लेना, और इंटेंसिटी है इसको यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो कर लेना, ठीक है। स्पीड 50 के अप्रोक्स कर लेनी यहाँ से। उसके बाद ये जो रहेगा इसको 25 के अप्रोक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐसे इस तरीके से टिक कर देना। उसके बाद जो ये इफेक्ट रहेगा इसको लास्ट तक अप्लाई कर देना आपको इस तरीके से, ताकि कंप्लीट वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से प्ले होगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ से वीडियो इफेक्ट में जाना है। अब आपको यहाँ से ऊपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर वाले ऑप्शन में जाना है यहाँ से। तो ये रहा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके अंदर आपको एक इफेक्ट मिलने वाला हेलो ब्लर, ठीक है। तो आप ऊपर सर्च कर सकते हो, यहाँ पे तो दिख जाएगा, वैसे इसके अंदर भी दिख जाता है कभी कभी। तो मैंने यहाँ से इफ़ेक्ट सर्च कर लिया है, अब इसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सिर्फ ओनली ऐड करना है, बाकी एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना है। इसके अंदर टिक कर देना और यहाँ से देख सकते हो हेलो ब्लर का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट में ही रखना है वीडियो में, इतना आपको जितना फर्स्ट में चाहिए ब्लर उस तरीके से आपको इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट में इस तरीके से मैं रख लेता हूँ इसको, उसके बाद देख सकते हो इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे आपको आना है, आगे आने के बाद यहाँ से और इफेक्ट ऐड होगा दूसरा, तो वीडियो इफेक्ट के अंदर चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपको नाइट क्लब वाला जो ऑप्शन दिखेगा ऊपर, तो यहाँ से आपको उस ऑप्शन के ऊपर में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको कौन सा इफेक्ट लेना है, वाइब्रेशन फ्लैश, तो ये फर्स्ट में इफेक्ट दिख रहा है, इसको लेना है, टिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो ये रहेगा इसको भी यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, इसके आगे थोड़ा सा एक बार ही फ्लैश आनी चाहिए, ठीक है, वाइब्रेशन वाले इफेक्ट की। तो यहाँ पे एक बार फ्लैश आएगी तो वो आप लोग बीट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, या फिर जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग इसको सेट कर लेना, ठीक है। वैसे नीचे सेट करोगे तो भी कोई नहीं, यहाँ पर आगे भी सेट कर सकते हो आप लोग, इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट एक और इफेक्ट अप्लाई करना होगा, तो उसके लिए आपको फिर से आगे आना, वीडियो इफेक्ट के अंदर चले जाना। यहाँ से आपको एक वाइट फ्लैश नाम का इफेक्ट मिलेगा, इसी के अंदर नीचे की साइड में मिलेगा, ठीक है।
तो ये दिख रहा साइड में, आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी ओनली फॉर ऐड करना है, एडजस्टमेंट कुछ नहीं करना, इस तरीके से टिक करना है। उसके बाद फ्लैश आएगी ऐसे दो तीन जगह वीडियो में, आपको इसको कॉपी पेस्ट करके आगे इसका डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ से एंड यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद जो फिर से खाली बचेगा उसमें फिर से आपको यहाँ से कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ से आपको फिर से यहाँ पे आगे पेस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके का इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, देख सकते हो कंप्लीट वीडियो के अंदर। सो गाइज यार, इस तरीके से ये वाला वीडियो बिल्कुल बन जाता है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो के बारे में एक लाइक कर देना, कॉमेंट करके ज़रूर बताना यार कैसा लगा वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। उसके बाद ऊपर शेयर ऑप्शन पे क्लिक करना, यहाँ पे क्लिक कर देने बाद यहाँ से ये वीडियो फाइनली सेव हो जाएगा फ़ोन की गैलरी में। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।